जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस दिवाली हम चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भर जाए। धन की तंगी क्या होती है ये आपको पता ही ना चल पाए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम आपको आपकी सबसे बड़ी भूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने आपके घर को शायद कंगाली के द्वार पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों ये भूल जुड़ी हुई है आपके मंदिर से। दरअसल घर के मंदिर में रखी ये तीन चीजें आपको बर्बाद कर सकती है। ये तीन चीजें आपके घर में मां लक्ष्मी को आने से रोक रही है। अगर आपके मंदिर में भी ये तीन चीजें रखी हुई हैं तो तुरंत इन्हें बाहर निकाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर कौन सी है वो तीन चीजें जो मां लक्ष्मी को आपके द्वारा आने से रोक सकती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य कुछ अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर उन्हें घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये धार्मिक हैं और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल ना करें, इसलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर वन, दीपक। दोस्तों हर कोई घर में एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी घर परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का बना हो सकता है, या इसकी जगह आप किसी भी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उपले या गोबर के कंडे पर गुड़ और हल्दी लगाकर घी के साथ घर में धूप भी दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर टू, स्वास्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को समृद्धि और सुख शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। नंबर थ्री, कलश। दोस्तों कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं, इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आप इस तरह से कलश पर रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच नारियल रख के मंदिर में रख दीजिए। इससे आपके परिवार में समृद्धि तो रहेगी ही, साथ ही खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। नंबर फोर, शंख के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद ही कोई ये जानता होगा कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। शंख को धर्म में पवित्र और खुद मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को शंख अधिक प्रिय है। जिस घर के मंदिर में शंख होता है वहां स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी, साथ ही शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। नंबर फाइव, घंटी। दोस्तों आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से दूर हो जाती हैं। घंटी न सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है, बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है, इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए और साथ ही आपके पूजा घर में घंटी होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों ये वो चीजें थीं जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपके पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर वन, शंख में।
गणेश जी की मूर्ति अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्ति या विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी ना जाए तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में 1, 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें, ये आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर ये भी देखा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुंह करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुंह करके रखिए, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है, इसीलिए घर के अंदर की तरफ मुख की हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर स्थापित करें। आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति अंदर की तरफ ही हो, बाहर की तरफ नहीं। नंबर 2, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी टूटे हुए चावल या बहुत लंबे समय पहले से यूज किए हुए चावल रखे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में मिलाकर कीजिएगा, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें, ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है लेकिन वह देवताओं के बराबर नहीं है, इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें, ये आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं, उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें, ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हां दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है, इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती है, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे माँ। गंगा जो हर किसी के पापों को धुल देती है, लोगों को शांति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं। ये आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तने का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के कलश में गंगा जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखकर रोली की मदद से स्वास्तिक बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करना चाहिए। और अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी, पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। साथ ही शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। नंबर 5, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से दूर हो जाती हैं। घंटी ना सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है, इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए और साथ ही आपके पूजा घर में घंटी होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये वो चीजें थीं जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए।
चलिए अब देखते हैं गुरु जी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपके पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर वन, शंख में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्ति या विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी ना जाए तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में एक 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें, ये आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर यह भी देखा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुंह करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुंह करके रखिए, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है, और कमल का फूल उन्हें बेहद प्रिय होता है क्योंकि ये कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि आप दीपक से दीपक ना जलाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाइए, ये आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा घंटा, धूपदानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखे। धन्यवाद। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।